समाज के विकास में समाज के हर वर्ग का अपना योगदान है। ऐसे सभी समाज अपने हित में संगठित हों, यह एक अच्छी परंपरा है। ये बातें राजमहल विधायक अनंत ओझा ने शनिवार को सिदो कानो स्टेडियम के निकट विवाह भवन में आयोजित हाड़ी जाति विकास मंच के जिला सम्मेलन के उद्घाटन के बाद कही। साहिबगंज हाड़ी जाति विकास मंच का जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें इस समाज के जिला अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों का चुनाव हुआ, जिसमें सभी समाज के संगठन के औचित्य पर प्रकाश डाला गया। सभी ने एक स्वर में कहा कि हम समाज के सबसे पिछड़े वर्ग हैं, हमारी स्थिति की चिंता किसी को नहीं है, ऐसे में हमें संगठित होकर अपने समाज के हित की लड़ाई लड़नी होगी और इसके लिए संगठित होना जरूरी है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, उठो चलो संगठित हो और आगे बढ़ो। ये हाड़ी जाति विकास मंच साहेबगंज जिला का जिला सम्मेलन है। यहाँ पर हमारे समाज का जो साहेबगंज जिला में जितने समाज के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उनका आज जो है चुनाव होने जा रहा है, अध्यक्ष पद और कोषाध्यक्ष और सचिव का। ये हमारा पूरे प्रदेश में ये संगठन चल रही है, झारखंड में पूरा 14 जिला में है प्रदेश कमेटी का। उसमें ये चुनाव साहेबगंज जिला में नहीं हो था, इसलिए आज इस जिला में चुनाव होने जा रहा। इसके लिए चुनाव होने के कारण यह है कि हमारे समाज में, हाड़ी समाज में संगठन की बहुत कमी है और हमारे समाज जो है बिखरे हुए, एकजुट लाने के लिए जो आज ये जिला सम्मेलन हो रही है कि जिला में एक संगठन हो, संगठित हो और हमारे जो समाज के किसी तरह का जो सरकार द्वारा या किसी प्रकार के द्वारा जो कुछ आपूर्ति नहीं हुए, ना मिलती है ना होता है, उसके लिए हम लोग एक संगठन को मजबूत करके सरकार से हम लोग अपना मांग को मांगेंगे। आज हमारे समाज में जितने भी हाड़ी जाति का मंच के सदस्य आए हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और प्रणाम करते हैं कि जब हम फार्म भरे अध्यक्ष पद के लिए, तो मेरे समाज में हमको सम्मान देते हुए निर्विरोध चुना है अध्यक्ष पद के लिए। और यही से आप लोग अभी मीडिया भाई हैं, हम सरकार से हम अपील करते हैं, डीसी साहब से अपील करते हैं कि हम लोग हाड़ी जाति बहुत गरीब जाति का लोग हैं और हम लोग का ना बहुत सरकारी ज़मीन पर रहता है, उनका ना आवास है, बहुत सरकारी विभाग में नौकरी करता बहुत दिनों से, उनका ना परमानेंट हुआ है। हम मुख्यमंत्री से, जो गरीबों की सरकार है, हम उनसे भी अनुरोध करते हैं, डीसी साहब से भी करते हैं कि आप अपने जिला स्तर से हमारे हाड़ी जाति के विषय में, मैंने अपने जिला स्तर से भेजिए। प्रातः दर्पण न्यूज़ के लिए साहिबगंज झारखंड से अरविंद कुमार की रिपोर्ट।